Assalamu alaikum class, my name is Faiza Mumtaz. Today my presentation topic is Universal Literacy and Individual Rights, Factor Affecting Program for Universal Literacy, Medium Instruction, Formal and Non-Formal Education, Advantages and Disadvantages. First of all, definition, literacy definition. Literacy means the ability to read and write at a level that enables a person to develop and function effectively in their day-to-day activities. जो लिटरेसी जो है इसका मतलब होता है पढ़ने लिखने की हमारी एबिलिटी जो जो कि हम अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में तरक्की याफ्ता मौसर अंदाज काम करने में काबिल बनाती है लिटरेसी हमें. देयर आर नो यूनिवर्सल डेफिनेशन और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेसी. लिटरेसी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. ऑल रेट्स आर बेस्ड ऑन द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन. द एबिलिटी टू रीड एंड राइट टू अ स्पेसिफाइड एज. इसकी जो स्पेसिफाइड डेफिनेशन है वो एबिलिटी टू रीड ही है यानी पढ़ने लिखने की सलाहियत. अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर्स कॉलगेट डिक्शनरी लिटरेसी इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग लिटरेट. लिटरेट अकॉर्डिंग टू दिस सम सोर्स डिराइव्स फ्रॉम लैटिन टर्म्स लिटरेट. टर्म्स मीनिंग मार्क विद लेटर्स एंड लेटर्स लिटरेचर. टू डेफिनेशन प्रोवाइडेड. एबल टू रीड एंड राइट वर्ड्स इन लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग. Having knowledge or competence. इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें यही दो डेफिनेशन जो है प्रोवाइड है. सेकेंड है by low literacy we don't mean people. We have never attend school the uneducated, for example, uneducated. यानी कि जो स्कूल नहीं जाते जो अनपढ़ होते हैं we move to a foreign country where the official language is different from their mother tongue. जो लोग दूसरे ममालिक में यानी फॉरिजन कंट्री में जाते हैं तो उनके जो है वो उनकी जो फॉरिजन वालों की जो होती है सरकारी जबान हमारी उनकी मादरी हमारी अपनी जबान से मुख्तलिफ होती है. दिस आंसर रिफर्स टू द लैंग्वेज ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज. तो इसे हम सेकेंड लैंग्वेज सीखने को कहते हैं. थ्री लेवल्स ऑफ लिटरेसी. अब लिटरेसी के तीन लेवल्स है बेसलाइन लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी, मल्टीपल लिटरेसी. Difference between literacy and education. The difference between them is much like the difference between a tool and process. Literacy will give you the ability to read a book. Literacy हमें इस काबिल बनाती है यानी कि पढ़ने और लिखने की काबिल बनाती है इसकी हमें काबिलियत देती है. Education is when you at least understand what the author is trying to convey. Importance of literacy. If can able the individual the acquiring knowledge and understanding the themselves and the world. Literacy is helpful to student success in education institution. Literacy madadgar sabit hoti hai student ke students ke successful social and economic development in country jo ki kisi bhi mulk ke social aur economic tarakki par hai. Literacy in Islam seeking knowledge. Battle of Badr, read in the name of your Lord. पढ़ अपने रब के नाम से. Who has created all the exit जिसने तुम्हें पैदा किया. He has created man from a clot of thick coagulated blood जिसने तुम्हें खून के जमे हुए लोथरे से पैदा किया. Read and your Lord is the most generous. पढ़ अपने रब के नाम पढ़ अपने रब के जिसने जो बहुत बड़ा मेहरबान है. Who has taught by the pen जिसने हमें कलम के जरिए इलम सिखाया. He has taught man that which he knew not, जो कि तुम नहीं जानते थे. And say और कहो, can you put on equal footing those who are learned with those who are not learned? और कहो कि आप इन लोगों के साथ बराबर सीखते हो जो कि बराबर नहीं सीखते. Seeking of knowledge is an obligation upon every Muslim, be it a man or a woman. इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है. यानी इस्लाम में ये बात वाजिब कर दी गई है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है. लिटरेसी एज सोशल प्रैक्टिस. लिटरेसी प्रैक्टिस आर यूज्ड बाय अस इन द प्रैक्टिस ऑफ अवर एवरीडे लाइफ्स. लिटरेसी के जो तरीके हैं उनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि व्हेन वी बाय अ कार जब हम कार खरीदते हैं डू द शॉपिंग
शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलते हैं और पे अ बिल यानी कि बिल पे करते हैं, वो इंगेज इन सोशल प्रैक्टिस इन विच लिटरेसी गिव अस हेल्प। यानी कि जब हम सोशल प्रैक्टिस में इंगेज होते हैं तो लिटरेसी हमें मदद देती है। देयर वर कल्चरल एक्सेप्टेड वेज टू इंगेजिंग इन सोशल प्रैक्टिस एंड दीज कैन वेरी अक्रॉस कल्चर एंड ओवर टाइम ग्रीटिंग पीपल इट इज एटसेट्रा। यानी कि लिटरेसी जो है हमें दूसरे प्राइवेट लोगों से मिलने में मदद देती है, उनसे ग्रीटिंग करने में। द अर्ली लिटरेसी एक्सपीरियंस, लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट, लिटरेसी अहम है बिकॉज वी एज ह्यूमन रीड एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग स्ट्रीट साइंस, रीडिंग अ न्यूज पेपर आर्टिकल। लिटरेसी जरूर अहम है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ते हैं, यानी कि जैसे हम बाहर जाएं तो हम लोग ट्रैफिक साइंस को पढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर को और भी मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स को। दे हैव हेयर्ड द स्टोरीज रीड एंड दे हैव इन्वेस्टिगेटेड देम इन देयर प्राइवेट इंटरेक्शंस। द रोल ऑफ पेरेंट्स इन अर्ली लिटरेसी, एम एंड एम एक्टिविटी स्टार्ट शेयरिंग स्टोरीज विद यंग चिल्ड्रन एट एवरी अर्ली एज। यानी कि शुरू से ही हमें छोटे बच्चों के साथ कुछ स्टोरीज को शेयर करना चाहिए। बेबीज रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द साउंड द पेरेंट्स वॉइस विदर और नॉट दे अंडरस्टैंड द एक्सटेंट एक्सर्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की वॉइस को पहचानते हैं, चाहे वो इस बात को समझ रहे भी हों या ना भी, एक एग्जैक्ट मीनिंग को समझ रहे भी हों या ना रहे हों, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की वॉइस को पहचानते हैं। द पेरेंट्स लिटरेसी रिलेटेड बिलीव्स एंड एक्टिविटीज, जो पेरेंट्स है वो रिलेट करते हैं इससे, इस पर यकीन करते हैं मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज पर लिटरेसी की। लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी इज अ ह्यूमन राइट, अ टूल ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट एंड अ मींस फॉर सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। Educational opportunities depend on literacy. Literate parents are more likely to send their children to school. इसमें यही बयान किया गया है कि जो literate parents होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर। Literate people are better able to access continuing educational opportunities. Literate societies are better geared to meet pressing development. Netcom. The Literacy and Mass Education Commission was established in 1981 and converted into National Education and Training Commission Netcom in 1990. ये Education Commission जो है Literacy की वो establish हुई थी 1981 में और फिर इसको convert किया था National Education Training में 1990 में। In its second meeting held on 18th Feb, इसकी जो second meeting थी वो 18 Feb को ही थी 1984, defined a literate person as that who can read and write a simple statement in the national or any of the regional language, count and write numbers and do simple calculations. National literacy movement will be launched on an emergency basis in every villages, tehsil and district, most where feasible will be utilized as one of the means to provide non-formal basic education to increase literacy. PMLC will prepare a plan of action. Is committee ne bhi ek prepare kiya tha ek plan ko. Calculations will with provinces for a coordinated effort in the national literacy movement. National Education Policy 1998-2010. All the industry units registered under the Factory Act would consider it mandatory to make the employees and their dependents literate. Another useful resources available in the country in the form of Boy Scouts and Girls Guides can be effectively used in the expansion of literacy programs. The existing non-formal basic education community school center will be increased 82
6,000, including the existing 7,000. Literacy gaps comprising of colleges, universities, students, teachers shall be established for literacy program during vacations. If an illiterate prisoner becomes illiterate, the duration of his/her imprisonment shall be condoned accordingly. Development grants to local government shall be linked with literacy programs. National Education Policy. Radio and television will be play a circular role and extensively used for social mobilization and promoting the cause of basic education, particularly amongst rural females. The justification for a new policy given by the minister was that the previous education policy was not producing record results. Problem was implementation level. UNESCO works for universal literacy. For over 65 years, UNESCO has worked to ensure that literacy remains a priority on national and international agendas. यानी कि 65 साल से ज्यादा के अरसे में ये बात यकीनी बनाने के लिए यूनेस्को ने काम किया था, जो कि कौमी और बैन अल-अक़वामी एजेंडों पर लिटरेसी को बहुत अव्वलीन तरजीह दी थी उसने. थ्रू इट्स फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रियलाइज द विजन ऑफ अ लिटरेट वर्ल्ड फॉर ऑल. एवरी ईयर द यूनेस्को रिकॉग्नाइज अ प्राइज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ outstanding individual government or governmental agencies and NGOs whose work in literacy serves rural adults, particularly women and girls. World literacy rate. Total population 7.046 billion, male 88.6%, female 79.7%. almost 3/4 the world's 775 million, 75% illiterate adults are found in only 10 countries. India, China, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Ethiopia, Egypt, Brazil, Indonesia, and Democratic Republic of the Congo. Of all the illiterate adults in the world, 2/3 are women. Extremely low literacy rates are concentrated in South and West Asia and Sub-Saharan Africa. ये countries के literacy rate. Problems in literacy. Gender differences. There is great differences in the rates of enrollment of boys as compared to girls in Pakistan. यानी इसमें डिफरेंस ये बताया गया, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बॉयज स्कूल्स में बॉयज की तादाद ज्यादा है, जबकि लड़कियों की तालीम पर कोई गौर फिक्र नहीं है. अकॉर्डिंग टू अनसिको फिगर्स, प्राइमरी स्कूल्स इनरोलमेंट टू गर्ल्स स्टैंड्स एट 60% एज कम्पेयर टू 84% फॉर बॉयज. यानी गर्ल्स का जो है वो 60% है और जो बॉयज हैं वो 84% है. The secondary school enrollment stands at a lower rate of 32% for females and 46% males, and with only less than 2% invested in the education sectors. Pakistan has also remained one of those few countries. Pakistan bhi in mulkon mein shamil hai where education falls under the federal government, jo ke federal government ke matahat hai. Conclusion. The first thing a government could do is to increase the budget which is to be allocated towards education. सबसे पहले इस चीज को देखा जाए कि गवर्नमेंट का जो बजट है जो एजुकेशन के लिए दिया जाता है उसको मुख्तसिस किया जाए. The third thing is to create awareness amongst people about the importance of education. तीसरी चीज ये है कि लोगों में तालीम का शोर पैदा किया जाए और तालीम की
इम्पोर्टेंस को बताया जाए. मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान आर मुस्लिम्स. पाकिस्तान में मोस्टली पीपल मुसलमान हैं एंड दे आर स्टिल अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इस्लाम प्रमोट्स एजुकेशन. और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि इस्लाम हमें तालीम को फ़रोग देने पर जोर देता है. देर इज एन इवन वेन हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट द वुड सेट फ्री द prisoners who would teach Muslims by this we can seek to comprehend to what degree education is education is important in Islam. यहाँ तक कि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो इन कैदियों को आज़ाद करेंगे जो मुसलमानों को तालीम देंगे. इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इस्लाम हमें किस डिग्री की ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. यानी कि इसमें इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि लोगों में तालीम का शऊर पैदा किया जाए, उनको तालीम की तरफ लाया जाए और उनको समझाया जाए कि इस्लाम में तालीम की बहुत अहमियत है. इस तरह लड़कियों की तालीम में भी इजाफा किया जाए. माई नेक्स्ट प्रेजेंटर इज नादिया नवाज़.